Hyundai Santro, हम CNG आपको इसमें फिल करके दिखाएंगे कि कितना CNG इसमें आता है इस गाड़ी में। तो जो भी CNG का जो लेवल है आप देख सकते हो, यहाँ से CNG जल रहा है, एक छोटा सा पॉइंट जल रहा है इसमें। ये वाला पॉइंट रेड है जो ये जल रहा है, बाकी गाड़ी CNG मोड पर भी खड़ी है। पेट्रोल भी इतना पड़ा हुआ है, टोटल अभी ये गाड़ी 115 किलोमीटर चली है, तो तकरीबन 100 किलोमीटर मैंने पेट्रोल पे चलाया है, रिमेनिंग अभी मैं CNG पे चलाऊंगा। तो देखते हैं ऐसा क्या। मेरा इस वीडियो का मेन मोटो यही है कि कितना तेल आता है इस गाड़ी में, Hyundai Santro CNG स्पोर्ट्स CNG। अभी हम जा रहे हैं जी जीरकपुर के पंप पे, पंजाब से CNG डलाएंगे, नया पंप ओपन हुआ है। लेट्स सी, अभी भी फिलहाल गाड़ी CNG पे ही है, ये बत्ती कंटिन्यूस जल रही है, इसका मतलब CNG है। अगर ब्लिंक करिए इसका मतलब पेट्रोल और से CNG पे कन्वर्ट हो रही है। जीरकपुर लाइट्स, तो देखो जी CNG कंप्लीट खत्म हो गया, जैसे ब्लिंक कर रहा है, आवाज भी आ रहा है। इट मींस CNG पूरी कंप्लीट खत्म हो चुकी है, ऐसा ये ब्लिंक कर रहा है। अभी हम जाएंगे इसको, अभी हम टच करेंगे तो ये CNG मोड आई थिंक हो जाना है। इसको टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पेट्रोल मोड हो गया। अभी ये ब्लिंक, अभी हम जाएंगे पेट्रोल पंप पे, CNG पंप पे। अभी हम गाड़ी पेट्रोल पे चला रहे हैं, पेट्रोल पे इसका पिकअप हल्का सा इनहेंस्ड है, ऐसा कोई सीन नहीं है लाइक CNG पे पूरी गाड़ी दब जाती हो, पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपनी फिटेड CNG का ये बहुत बड़ा लाइक मेरिट बोलो या जो भी बोलो आप, थोड़ा सा मुझे कोई ज़्यादा फर्क लग नहीं रहा है एक्सलरेट। हाँ, हल्का सा गाड़ी स्मूथ जरूर हो गई है ऑन कंपेयर टू CNG। हम आने वाले हैं पेट्रोल पंप पे। ये हमारे देखो लेफ्ट साइड में आपको HP का CNG पंप दिख रहा होगा, अभी हम यहाँ से CNG डलवाएंगे। क्लब HP करके लिखा हुआ है, लेट्स सी क्या है, नहीं है, कैसा है। लेट्स सी, ये CNG पंप्स आ गए हैं इधर जी सामने। अभी इन लोगों ने मुझे ये बोला है कि चाहे लोकल हो या टैक्सी हो, आपको लाइन में ही आना पड़ेगा, चाहे आपका लोकल हो या मतलब टैक्सी हो या फिर आपका जनरल हो, ऐसा तो ये जो पहला कन्फ्यूजन है जो लोगों का रहता है स्पेशली, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि CNG पे प्राइवेट गाड़ियों के लिए अलग से लाइन कोई नहीं लगती, जो भी है सबका एक ही, सबको एक समान देखा जा रहा है यहाँ पे, होना भी चाहिए वैसे। लेकिन टैक्सी का जो सीन है, टैक्सी में लंबी लंबी लाइनें होती है, अगर किसी ने CNG लगवानी है उसको तो फिर काफ़ी, किसी को ऑफिस जानी हो या किसी को लंबी लाइन लगानी हो तो उनको तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा एक सेपरेट लाइन रखनी चाहिए प्राइवेट गाड़ियों के लिए अलग, टैक्सी गाड़ियों के लिए अलग, इनसे टैक्सी वाले भाइयों को भी बेनिफिट होगा, सबका बेनिफिट है। चलो जी, अभी फिर से दोबारा यू टर्न करके उसी लाइन में हम लग जाते हैं और CNG। देखिए जी, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप ये पंजाब के अंदर में है, अभी लाइन में गाड़ियां लगी हुई हैं।
जो भी आउट आफ्टर मार्केट सी एन जी किट लगवाते हैं या डलवाते हैं उनका जो सीन है उनको अपना बोनेट खोल के यानी आगे से उनका सी एन जी फिल होता है। हमारी गाड़ी कंपनी फिटेड है, देखते हैं क्या सीन होता है। अभी यहाँ पे इस पर जो फिलिंग होगा वो पेट्रोल वाला जो नेक होता है ना वहाँ पे होगा। लेट्स सी, मैं आपको दिखा सकता हूँ ये बोनेट खुला हुआ है, पता नहीं इसमें दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, ओला वाली गाड़ियाँ हैं तो बोनेट के आगे से ही ये डलता है। 118 किलोमीटर चली हुई है टोटल। मैंने 118 किलोमीटर तक इस गाड़ी में सीएनजी यूज़ नहीं किया है, वो थोड़ा इंजन सेट हो जाता है, लेकिन कंपनी फिटेड सीएनजी है तो इसका इंजन उस हिसाब से ही ट्यून किया गया है, बनाया गया हुआ है। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम में वीडियो प्ले हो रहा है, ये फंक्शन हम आ गए रोड पे, इधर काफ़ी रस हो रही थी इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। ये देखिए जी अभी सीएनजी में ऐसा सिस्टम है, यानी इसकी फुल सीएनजी हो गई है एकदम, बिल्कुल भी पता नहीं दिख रही हो ना दिख रही हो। ये देखिए ये लाइटें फुल है, चार लाइटें फुल है, सीएनजी का बटन जग रखा है, यानी गाड़ी अभी सीएनजी पे ही है। अगर आपको बिल दिखाऊं तो ये 54 रुपया 11 पैसे था, और एक्चुअली वो दो बार मैंने कट करके पूरा फुल कराया, तो इसमें एक समय में 8.51 और दूसरे समय में 0.15, यानी आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं 54.11 / 472, यानी इतना आप सीएनजी एक बार में डला सकते हैं। प्रेशर बहुत अच्छा था शाम का टाइम है, ठंडे का मौसम है। ओके जी।